नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर मोतिहारी से है। बिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उसे जनता के बीच पालन करने के लिए अब सरकार सड़क पर उतर गई है। इसी को लेकर देर रात्रि मोतिहारी के कलेक्टर शीर्षक कपिल अशोक अपने अधिकारियों के साथ शहर के सड़क पर उतरे। जिलाधिकारी ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर घूमकर लोगों से अपील किया और कहा कि लोग मास्क लगाना अनिवार्य समझें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ नाइट कर्फ्यू का भी पालन करें। हालांकि जिलाधिकारी के जांच में सब कुछ बेहतर पाया गया। वहीं उन्हीं ने कहा कि लोग इसी तरह प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों का भी सहयोग करें। वैसे अब शहर के सभी चौक चौराहों पर कोविड जांच कराया जाएगा ताकि बाहर से आने वाले सभी लोगों का जांच हो सके। राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, हमारा मास्क एनफोर्समेंट करना है, साथ ही में 6 बजे के बाद जो दुकानों को इसेंशियल दुकानें छोड़ के सर्विसेज की उनको जो निगरानी रहती है उनको क्लोज करना है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे। साथ ही में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई हर सिटी का जो प्लांट है उसको देख के यहाँ पे आ रहा है। अभी कोविड केयर सेंटर पे भी हमको जाना है। बेसिकली एक व्यवहार परिवर्तन और सबको समझने की चीज़ है कि मास्क पहनना बहुत आवश्यक है इस स्टेज में, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रहा है, इवन पूर्वी चंपारण मोतिहारी में भी आपने देखा हो कल 276 पॉजिटिव मामले आए हैं और ये दर बढ़ते जा रहा है, तो सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरा अनुरोध यही रहेगा आपके माध्यम से कि सभी लोग कृपया प्रशासन को सहयोग करें, पुलिस को हमारे सहयोग करें, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई है उनको भी सहयोग करें। आप देखेंगे रैंडमली वो जांच भी करना जा रही है यहाँ पे, जो लोग कुछ घूमते हैं और क्राउडिंग एरिया में रहते हैं, जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, ये छतौनी का चौक है तो यहाँ पे जो है रैंडमली वो जांच भी करेंगे ताकि जो है संक्रमण यहाँ पे अपने शहर में नहीं फैले। धन्यवाद।